दूसरे के घर के छत पे चढ़ के और वहाँ से वहाँ झंडा उतार के फेंकना और वहाँ भगवा झंडा लहराना, इसकी इजाज़त कौन सा कानून दे रहा था? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरीके से बहराइच में हिंसा भड़क गई, किस तरीके से गरीबों के घर जलाए गए, वहाँ पर कितना उत्पात मचाया गया, वहाँ पर लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का नुकसान हो गया। मोटरसाइकिल की एजेंसी भी जला दी गई, दुकानें भी जला दी गई, मुसलमानों के घरों को भी जला दिया गया। ये नफ़रत आखिर आती कहाँ से है, ये हिंसा आखिर भड़कती कहाँ से है? तो सामईन किराम, ये माहौल ख़राब करने में, ये हिंसा भड़काने में कहीं ना कहीं गोदी मीडिया का भी हाथ है। अब आप हजरात गोदी मीडिया के चैनलों को देख लीजिए, किस तरीके से मिर्च मसाला लगा करके न्यूज़ चला रहे हैं, किस तरीके से नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं। असल में जो खुलासा हो रहा है, जो बयान निकल के सामने आ रहे हैं, असल में मामला क्या हुआ है, हम आप हजरात को दिखाने वाले हैं। जो वीडियो हम आप हजरात को दिखाने वाले हैं, एक हिंदू भाई की है, समझदार की है, पढ़े लिखे भाई की है। जो भी पढ़े लिखे हमारे भाई हैं, वो सब ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये एक नफरती जाल बिछाया जा रहा है और भोले भाले लोगों को उसमें फंसाया जा रहा है। जितने भी पढ़े लिखे हिंदू भाई हैं, वो अच्छी तरीके से इस भाई को, इस बात को समझते हैं कि किस तरीके से, किस कदर नफ़रत फैलाने का काम किया जा रहा है, माहौल बिगाड़ने का काम किया जा रहा है और बेचारे गरीब लोगों को उसमें फंसाया जा रहा है। पहले आप हजरात इस वीडियो को देख लीजिए। प्यारे अजीज़ दोस्तों, इस वीडियो को आप हजरात छोड़ के ना जाएं। आप हजरात इस वीडियो पर आ गए हैं तो कम से कम 5 मिनट इस वीडियो को ज़रूर देख लें। 5 मिनट में ही आप हजरात को सारे खुलासे पता चल जाएंगे, आप हजरात के सारी बात समझ में आ जाएगी। तो आप हजरात को हम ये वीडियो दिखाते हैं, आप हजरात 5 मिनट ज़रूर इस वीडियो को सुनकर जाएं, क्योंकि इसमें जो उन्होंने बातें कही हैं वो बहुत कीमती बातें कही हैं और सुनने वाले और समझने वाली बातें कही हैं। आप हजरात पहले इस वीडियो को देख लीजिए। दूसरे के घर के छत पे चढ़ के और वहाँ से वहाँ झंडा उतार के फेंकना और वहाँ भगवा झंडा लहराना, इसकी इजाज़त कौन सा कानून दे रहा था? और पुलिस उस समय कहाँ थी? उस समय यह भी दिख रहा है कि वहाँ भीड़ है, वहाँ पे वो अकेला व्यक्ति नहीं है, भीड़ है। और भीड़ जो है उसमें से कई लोग वीडियो भी बना रहे थे, उसी में से किसी ने वीडियो निकाला होगा, वायरल किया होगा। तो इंटेंशन साफ है कि कैसे भड़का। अगर ये आजकल सोशल मीडिया मोबाइल नहीं होता तो कभी पता भी नहीं लगता कि आखिर किसने कैसे क्या किया। जैसे मोदी जी कैसा भाषण दे रहे थे लोकसभा में, मुसलमान मंगलसूत्र खूब चल रहा था ना, मांस मछली मुसलमान मंगलसूत्र। योगी जी भी वैसा ही भाषण देते हैं। और इनका USP संविधान नहीं है ना, इनका USP कुछ और है। हिंदू मुस्लिम जब तक नहीं करेंगे तब तक इनके पास पेट में नहीं बचता है खाना। किसी भी बड़े आदमी का बेटा, किसी मंत्री का बेटा, किसी बड़े धनाढ्य का बेटा, जो धर्म की रक्षा का दावा ठोक रहे हैं, लोगों कह रहे हैं धर्म की रक्षा करो, उनका बेटा किसी धर्म की रक्षा करने रैली में गया है? पहले ये बता देना। राहत इंदौरी साहब सरहद पे तनाव की बात करते थे कि सरहद पे तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। लेकिन इस देश में BJP ने, RSS ने, मुझे लगता है कि हर जगह, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि हर गाँव में एक दक्षिण अफ्रीका है, वो दलितों के संदर्भ में कहा था, उसी तरीके से इन लोगों ने जो माहौल बनाया है, गांव गांव गली गली मोहल्ला में ही एक तरह से सरहद बन गया है। और 12 तारीख को मोहन भागवत का जो बयान है उसको आप गंभीरता से देखिए। हिंदू एकता, दलितों के घर जाओ, माइनॉरिटीज़ पे बांग्लादेश पे बोल रहे हैं कि वहाँ हिंदू खतरे में है। पहले तो भारत में हिंदू खतरे में था, अभी भी इलेक्शन के समय हिंदू खतरे में हो जाता है भारत में, बाकी जगह कभी नहीं। हिंदू डरे हुए सर, शोभा यात्रा नहीं निकाल पा रहे हैं, हत्या हो जा रहा है। पहले कंप्लीट कर लेने दीजिए। तो जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है ना, उससे पूरा सवालिया निशान पुलिस प्रशासन, राज्य सरकार की मॉडल सफरेंडी उस पर खड़ा होता है। हम लोग एक्टिविस्ट हैं, पढ़ाते हैं, बहुत सारे मुद्दों पर आंदोलनरत रहते हैं। आपको पता है कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी गेट पर एक धरना लगाना हो तो पुलिस परमिशन, और परमिशन के बाद SHO से लेके और CID से लेके तमाम, IB से लेके तमाम ऐसे लोग फ़ोन करके 10 बार पूछेंगे कि भाई कितने लोग आएंगे, कौन वक्ता हैं, जंतर मंतर पे करो। तो एक तो परमिशन आजकल देने में दिक्कत कर रहा है, परमिशन दे भी देगा तो 50 तरह के सवाल उठते हैं।
जब एक छोटा सा जो कि एकदम ही शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं उसके लिए इतनी फॉर्मेलिटी है यहाँ पर, और वहाँ पे इतना बड़ा प्रोसेशन निकल रहा था, किस रूट का कहाँ क्या परमिशन मिला ये शोध का विषय है कि जो प्रोसेशन है किस रूट से जाएगा, सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहेगी, कैसा नहीं रहेगा, ये कहाँ लिखा पड़ी थी, किससे एक सस्पेंड हुआ अभी CO, तो उसका परमिशन किसने दिया कि उसी रूट से ये प्रोसेशन जाएगा। दूसरा है कि हमने कल एक वीडियो देखा सोशल मीडिया पे, काफ़ी वो वीडियो तैर रहा है जिस शायद उसी लड़के की हत्या हुई है ना, कि दूसरे के छत पे चढ़ के आप प्रोसेशन निकालने गए हैं ना, विसर्जन करने गए हैं, दूसरे के घर के छत पे चढ़ के और वहाँ से वहाँ झंडा उतार के फेंकना और वहाँ भगवा झंडा लहराना, इसकी इजाज़त कौन सा कानून दे रहा था, और पुलिस उस समय कहाँ थी। उस समय यह भी दिख रहा है कि वहाँ भीड़ है, वहाँ पे वो अकेला व्यक्ति नहीं है, भीड़ है, और भीड़ जो है उसमें से कई लोग वीडियो भी बना रहे थे, उसी में से किसी ने वीडियो निकाला होगा, वायरल किया होगा, तो इंटेंशन साफ है कि कैसे भड़का। अगर ये आजकल सोशल मीडिया मोबाइल नहीं होता तो कभी पता भी नहीं लगता कि आखिर किसने कैसे क्या किया। दूसरी बात है कि देश में पिछले 2014 में मुझे याद है मुजफ्फरपुर घटना याद होगा आप लोग को, मुजफ्फरनगर घटना, कि आखिर उस सांप्रदायिक माहौल बनाने से फ़ायदा किसको होता है। पहली बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण देखिए आप लोकसभा चुनाव के दौरान, सैकड़ों बार मुसलमान मंगलसूत्र तुम्हारा हक खा जाएंगे, मंगलसूत्र ले लेंगे मुसलमान, कितनी बार आया, नफरत वाले भाषण थे, देश का वजीर आजम प्रधानमंत्री ये भाषण कह रहा था। क्या चुनाव आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कोई एक्शन लिया, किसी ने कोई सवाल उठाए एक्सेप्ट कि आप लोग और हमारे जैसे कुछ लोग आम लोग, जब देश का प्रधानमंत्री ही सांप्रदायिक नफरत फैलाए तो जाहिर है कि पॉलिटिकल लाभ उन्हीं को होना है। जब योगी जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, किसको कह रहे हैं, हिंदू को बोल रहे हैं ना, तो हिंदू में कौन कौन है, हिंदू दलित भी होगा, पिछड़ा भी होगा, जाटव होगा, वाल्मीकि होगा, यादव होगा, कुर्मी होगा, जाट होगा, यही सब ना होगा, दलित पिछड़ा। भागवत साहब भी कह रहे हैं कि भाई दलितों के यहाँ जाओ, उससे आत्मीयता बढ़ाओ, चुनाव के समय तो दलित के यहाँ जाते हैं खाना खाने या बिस्लेरी का पानी लेके। हम तो बार बार इस दलित समाज को कह रहे हैं कि कभी अपने घर पर इनको मत बुलाओ, बोलो कि चुनाव के समय आए हो तो कम से कम अपने घर पर मुझे बुलाओ, अपने सोफा पर बैठाओ, अपने वॉशरूम का इस्तेमाल करने दो, अपने डाइनिंग टेबल पे खिलाओ, तब ना समरसता बनेगी। तो सर नरसिंहानंद जी, एक मिनट ठहर जाइए, अभी पूरा कंप्लीट ही कह देता हूँ, उसके बाद सवाल का आपके पास सवाल नहीं रहेंगे फिर। तो ये जाति व्यवस्था ही कहाँ, सोर्स क्या है, मनुस्मृति है ना, तो मनुस्मृति किसके खिलाफ लिखा गया है, मुसलमानों के खिलाफ लिखा गया है, नहीं ईसाइयों के खिलाफ लिखा गया है, किसके खिलाफ लिखा गया है, किसके बारे में लिखा गया है, खिलाफ छोड़ दीजिए, तो वो हिंदुओं के बारे में ही लिखा गया है। तो आज चाहे योगी साहब चाहे मोहन भागवत ये कह दे कि हम मनुस्मृति को नहीं मानते, तब जाने, वो हिंदू महिलाओं के बारे में लिखा गया, उसमें हिंदुओं के बारे में लिखा गया है कि किसको क्या खाना चाहिए, किसको क्या पहनना चाहिए, किसका काम क्या है, किसको कितनी सज़ा मिलनी चाहिए। तो जिस हिंदू की बात कर रहे हैं एकता की, तो कम से कम आप जो यहाँ हाथरस हुआ था भागवत साहब तो उस पर नहीं बोले, योगी जी उस पर नहीं बोले, बच्चा जो है मटका से पानी पीता है उसको मार देता है, मोहन भागवत उस पर नहीं बोले, घोड़ी पे चढ़ने पे पीट देता है मार देता है, अधिकारी पुलिस अधिकारी को भी पुलिस का प्रोटेक्शन लेना पड़ता है अगर दलित अधिकारी है, तो उस पर तो भागवत नहीं बोले, बोले बुलेट पे चढ़ने पे किसी को टेंशन हो जाती है, इस पर तो नहीं बोलते हैं। तो ये पूरा राजनीतिक प्रायोजन है कि इलेक्शन जब आएगा तो एकता की बात होगी, कि जो बहराइच अभी चुनाव 9 पे अभी घोषणा हुई है ना उपचुनाव, चुनाव के समय ही ये सब एक तरह से प्रायोजित है, ये मेरी समझ है। नहीं तो इतनी बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, इतना बड़ा पुलिस महकमा है, वो कंट्रोल नहीं हो सकता था। यहाँ आप हम लोग एक रैली निकालते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आइए गेट में हम लोग 100 लोग बैठे रहते हैं, 300 पुलिस फोर्स रहता है वहाँ, और इतनी बड़ी रैली है, आप जानते हैं कि जिस मोहल्ले से गुजर रहा है
वो किसी अन्य संप्रदाय का मोहल्ला है, वहाँ भीड़ में गाली गलौज हो सकता है, उल्टे पुल्टे नारे लग सकते हैं, तो प्रशासन क्या दूरबीन लेकर देख रहा था कि होने दो जा पाएंगे। एक सवाल हो रहा आपसे, कुछ ऐसे गाने आ गए हैं कि राम राम चलाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, गाने बहुत चल रहा है हर जगह, सब पुल कार्रवाई होनी चाहिए क्या? नहीं नहीं, कार्रवाई कौन करेगा? सैयाब है कोतवाल, सैयाब है कोतवाल तो अब कहे का। मैं हम लोग अभी एक जगह गए थे यूपी में, किस जगह पे मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, है ना, शायद सुप्रिया श्रीनेत्र का इलाका है, वो जगह का नाम महाराजगंज से अलग कुछ जगह था, डुमरियागंज सॉरी, वहाँ गए थे, वहाँ भी देख रहे थे रास्ते पे यही गाना बज रहा था। हम लोग शरीफ की तरह अपना गाड़ी साइड में कर लिए कि इतने बड़े बड़े बहादुर सेनापति यहाँ सड़क पे हैं, हाँ, बहुत बड़े बड़े सेनापति, घर में खाने का ठीक नहीं होगा, अगला शाम खाना मिले, जो चेहरा मोरा देख के लग रहा था ये खाने का ठीक नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ इन लोगों को खिला पिला देता है जिससे जोश ज़्यादा आ जाता है। बकरी तो कटेगी नहीं, मुल्ले काटे जाएंगे, है ना, चीटी तो मरेगी नहीं, वही भीड़ हटा दो, अजरा अकेले साइड में पूछना था जा गाओ तो अब कैसे गा रहे थे, असली राम भक्त तो वही है सर, गाओ जरा, जैसे हमको भी मान लो कोई धमकी देता है तो हम ले धमकी दे लिए, अब साइड में अकेले आओ जरा इधर, तो ये कायरता की पहचान है, भीड़ में जाके एक व्यक्ति को मार देना, भीड़ में गाली देना, एकदम ऐसे लग रहा है कि जैसे पता नहीं नेपोलियन बोनापार्ट बन के घूम रहे हैं, घर में पता लगा कि घर में गया तो माँ अब पिताजी सोटा लेके डंडा लेके पीछे पड़ी हुए, कमाता का है नहीं, तो वो वहाँ भी बज रहा है लेकिन उसको राजकीय संरक्षण है, कोई पुलिस कुछ नहीं करता है वहाँ पे, हमने देखा है खुद, तो क्या कहिएगा। ये तो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि इसके खिलाफ लोगों को जागरूक करें, माहौल बनाए, आंदोलन करें, सिर्फ वोट आपको चाहिए, लड़े या कौन। तो आपने ये पूरी वीडियो देख ली होगी और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। इस हिंदू भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जब भी चुनाव आता है तब हिंदू खतरे में आ जाता है। आप हजरात अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कहाँ पर बोल रहे हैं और कौन सी बात कह रहे हैं। और ये भी कहा है कि ये जो आपत्तिजनक नारे लगाते हैं, वो ये चिल्लाएंगे, वो काटे जाएंगे, जो भी कहते हैं, वो भी उन्होंने कहा है कि जब अकेले आएँ तब इनसे पूछो कि कौन सा नारा लगा रहे थे, तो भाई साहब इनका चेहरा उदास हो जाएगा, इनसे इनकी औकात एक मक्खी मारने की नहीं है, एक चींटी मारने की नहीं है, और नारे इतने इतने बड़े लगाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पढ़े लिखे भाई हैं, समझदार भाई हैं, वो अच्छी तरीके से समझते हैं कि ये एक षड्यंत्र है, नफरती माहौल वोट बैंक बनाने के लिए, वोट हासिल करने के लिए बनाया जा रहा है। अगर आप हजरात भी समझ गए हैं कि तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी इसी के साथ आज की इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।